दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा स्थगित हो चुका है। कल उत्तराखंड नहीं आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, क्योंकि रद्द हो चुका है दौरा उत्तराखंड। आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय, अरविंद केजरीवाल 15 अगस्त के बाद उत्तराखंड जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन की तैयारियों में समय जुटे हुए हैं। लेकिन कल उत्तराखंड नहीं पहुंचेंगे, उनके दौरे को रद्द कर दिया गया है। 15 अगस्त के बाद उत्तराखंड अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से उत्तराखंड में सक्रिय है, इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, सीएम को मात देने की तैयारी में है। जिस तरीके से वहां पर फ्री बिजली का वादा किया गया है और लगातार फ्री बिजली के लोगों को कार्ड भी बांटे जा रहे हैं, खुद आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है जब से उन्होंने फ्री बिजली का वादा किया है। तो ये फ्री बिजली वाला कार्ड खेलते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। यहाँ पर सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं, हालांकि अभी धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी का कैडर जो है वो धीरे धीरे मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली से उत्तराखंड में पैर जमाने की कोशिश, पंजाब में पूरी तरीके से सिर्फ यहां पर भी बिजली का कार्ड खेला गया है, उत्तर प्रदेश में भी बिजली के जरिए जाने की कोशिश की जा रही है, फ्री बिजली का वादा किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में जाकर। तो उत्तराखंड में इलेक्शन के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के दौरे लगातार हो रहे हैं, सीएम केजरीवाल वहां पर उनके कार्यक्रम रखे जाते हैं। मनीष सिसोदिया कई बार वहां पर जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, जोश भरने की पूरी कोशिश विधानसभा चुनाव के लिए की जा रही है ताकि कोई भी कमी ना रह सके इलेक्शन जीतने में। मनीष सिसोदिया लगातार वहां पर पहुंचते हैं, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो कि उत्तराखंड में लगातार नजर आते हैं, देहरादून भी पहुंचते हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जाती है, बैठकें लगातार की जा रही हैं, क्योंकि सीधी जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब तक हम देखते थे कि उत्तराखंड में सीधी जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होती थी, अब आम आदमी पार्टी बीच में से जा रही है, तो जाहिर सी बात है दोनों पार्टियों से बराबर की लड़ाई होगी, दोनों पार्टियों से बराबर का मुकाबला होगा, जिसके चलते पूरी सक्रियता दिखाने की कोशिश की जा रही है, कोई कमी वहां पर ना रह जाए। सीएम केजरीवाल खुद वहां पर बार बार जाते हैं। रविंद्र आनंद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। रविंद्र जी, सीएम केजरीवाल का दौरा रद्द हो चुका है, उस बारे में क्या अपडेट है? और दूसरी बात यह कि पूरी तरीके से सक्रिय इस समय आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नजर आ रही है, आप लोगों की जो सीधी टक्कर होगी वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस से है, लेकिन आप खुद में किससे मान रहे हैं? हाँ देखिए मैम, कल माननीय अरविंद केजरीवाल जी का उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में एक कार्यक्रम था, एक रोड शो था, जो कुछ निजी कारणों से फिलहाल हमने पोस्टपोन कर दिया है, और इसको रद्द नहीं कहेंगे, इसको हमने कहा है कि पोस्टपोन कर रहा है, हमने आगे के लिए कर दिया है। हाँ। क्योंकि इतना डेट मिलने की पहले भी दिक्कत थी, लेकिन प्रोग्राम पहले लग चुका था, तो जब सीएम साहब से बात हुई तो थोड़ा सा डेट को लेकर के दिक्कत आई, तो ये 20 तारीख के बाद उनका दौरा रहेगा और इसी महीने उनका दौरा जरूर रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए हमारा ये साफ मानना है और कहना है कि आम आदमी पार्टी की टक्कर सीधी बीजेपी से है, बल्कि मैं इस बात को ऐसे कहूंगा कि इस बार का चुनाव आम आदमी वर्सेस बीजेपी होगा, ये आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी यानी कि उत्तराखंड का वह आम आदमी जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, जो पलायन से जूझ रहा है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के ना चलते अपने परिवार के को दुखी मिल रहा है, जो कोविड में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मौतें हुई है, ये वो आम आदमी है जिसको सुविधाएं नहीं मिली, जिसको सिर्फ जुमले मिले, जो पिछले 20 साल से बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया है, लूट खसोट का जो इन्होंने सिस्टम ये बना रखा है कि 5 साल आप और 5 साल आप, मतलब दोनों पार्टियां आपस में 5 साल बांट करके काम कर रही है, इस पूरी लाइन को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने कई बार सर्वे भी कराया और जी जी। और जो आम जनता है उसने मन बना लिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर आम आदमी के प्रति काम करना चाहती है आम जनता, जिससे कि
मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वायदे किए गए लेकिन वो आज तक वायदे ही रहे। और मैं समझता हूँ कि आगामी चुनाव आम आदमी वर्सेस बीजेपी रहने वाला है। रविंद्र जी, मैं अगले सवाल पर आ रही थी, हालांकि वो बात आपने खुद ही बोल दी। पांच साल वाला जो है, ये पांच साल बीजेपी और पांच साल कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में रहती है, ये सबको पता है और ये जग जाहिर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से वहां पर सरकार रहती है, पांच साल बीजेपी की सरकार, पांच साल कांग्रेस की सरकार, जितनी मजबूत वहां पर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी मजबूत वहां पर बीजेपी है उतनी ही मजबूत वहां पर कांग्रेस भी है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि दोनों से आप लोगों की टक्कर होगी? देखिए मैडम, लोकतंत्र में जब हम चुनाव में जाते हैं जी, तो वोट जनता करती है। देखिए पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टी खड़ी रह जाती है, एक तरफ रह जाती है। आपने दिल्ली में देखा होगा किस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय जो लोग थे, राष्ट्रीय नेता थे, इनके खुद के गृह मंत्री अमित शाह जी उस समय घर घर पर्चे बांटते दिखे, लेकिन आम जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट देना ज्यादा उचित समझा। पूरी बीजेपी की, देखिए हमारे पास तो उतने कार्यकर्ता भी नहीं थे दिल्ली में, गुना 20 गुना कार्यकर्ता बीजेपी वालों के पास थे, लेकिन परिणाम आपके सामने है। और कांग्रेस की आपने बात की, तो कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी पार्टी, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस की खुद वहां जमानतें जब्त हुई है, बड़े बड़े नेताओं की जमानतें वहां पर जब्त हुई है, और हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने वहां पर इनकी जमानतें जब्त कराई हैं। और मैं समझता हूं कि वोट आम जनता ने देना होता है, तो इसलिए कि आप ये मान सकते हैं कि जनादेश क्या आएगा ये कोई नहीं कह सकता। और इस समय क्योंकि जनता इनके कुशासन से त्रस्त है, दोनों पार्टियों को देख चुकी है, एक पार्टी ने जुमले देने का काम किया था, दूसरी पार्टी ने पिछली बार सिर्फ दैनिक शराब पिलाने का काम किया है हरीशावत सरकार ने, और घोटालों में लिप्त रही है सरकार। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड में 20 साल खराब किए गए, जिन मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, बिजली पानी, वो मुद्दे आज सिर्फ आम आदमी पार्टी पूरा कर सकती है, ये आम जनता जानती है। रविंद्र जी, फ्री बिजली कार्ड कितना सफल होगा, आम आदमी पार्टी को कितनी उम्मीद है? देखिए मैडम, आज की डेट में हम 4 लाख कार्ड उत्तराखंड में बना चुके हैं, 4 लाख घरों तक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पास जो 10,000 कार्यकर्ता प्रदेश में है, वो घर घर जाकर के बिजली कार्ड बना रहे हैं। और हमारी 70 की 70 विधानसभा सीटों में इतना जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है, और जो अभी हमने जो अपना इंटरनल सर्वे भी कराया है उसमें हमारा जो वोट प्रतिशत है वो मतलब जिसे कहते हैं कि एक मैजिक के हिसाब से बड़ा है, मतलब हमें खुद विश्वास देखा कि इतना जबरदस्त इसका रिस्पांस मिलेगा, तो इसका रिस्पांस बहुत जबरदस्त है, क्योंकि लोगों के बिल गलत लग के आते हैं, लोगों को हर महीने हर साल बिजली की रेट बढ़ा दिए जाते हैं, लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। तो मैं समझता हूँ कि आम जनता बिजली और पानी के मुद्दे पर वोट इस बार होगा। रविंद्र जी, आम आदमी पार्टी को बीजेपी का एक माइनस पॉइंट दिखता है, वो है मुख्यमंत्री जो बदले गए, बार बार लगातार 3 मुख्यमंत्री को बदला गया। लेकिन अब सवाल जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो काम है उसको देखते हुए उत्तराखंड की जो पब्लिक है उस वक्त को भूल गई है जब मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे, क्योंकि काम अब उस दौर पर भारी पड़ रहा है। मैडम मेरा तो ये कहना है, बल्कि हमारी पार्टी का ये कहना है, कि आप ये देखिए कि 5 साल की सरकार में 4.5 साल से ज्यादा समय निकल चुके हैं, है ना। अब दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो ऐसा कैसा मान लिया जाए कि काम होंगे? आप ये खुद सोचिए कि 3-4 महीने में क्या काम होंगे, जो 5 साल में नहीं हो सके वो 4 महीने में काम कैसे हो पाएंगे? ये सिर्फ एक, अभी चूंकि पिछले जब से धामी जी बने हैं तब से सिर्फ वो अखबारों में, टीवी चैनलों में सिर्फ उन्होंने एड देने का काम किया है, और मैं समझता हूँ कि उनको धरातल पर कैसे उतारेंगे, जितनी योजनाएं वो गिना रहे हैं या चलाने की बात कर रहे हैं उसको धरातल को उतारने के लिए कम से कम 1 साल 1.5 साल का समय लगेगा, लेकिन इतना समय सरकार के पास नहीं है। और सरकार ये भी कहती फिर रही है कि हम बहुत सारे वचन सुनते हैं मुख्यमंत्री जी के भी और मंत्रियों के भी कि हमारी सरकार आई तो ये करेंगे और वो करेंगे। अरे भैया, उनसे पूछा जाए कि अभी सरकार किसकी है, इस वक्त किसकी सरकार है,
कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिससे ये साफ होता है कि कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ समय, ये वेस्ट है, ये 4-5 महीने वेस्ट रहेंगे। जी रविंद्र जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण मेरा सवाल है, हालांकि उसका जवाब मुझे पता है, आपका जवाब क्या होगा। आम आदमी पार्टी को पता है इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति क्या है, बीजेपी की स्थिति क्या है, और आप लोगों की खुद की स्थिति क्या है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो आपका जो मकसद है वो क्या है, उत्तराखंड में सरकार बनाने का या फिर सियासी जमीन तलाशने का? देखिए मैडम, हमने अपने जो हमारी चीजें हैं हम स्पष्ट कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। और मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में जितना काम आम आदमी पार्टी के द्वारा जनहित में, जनहित के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम, बार बार सीएम आवास अगर किसी ने घेरा है, हर मुद्दे पर चैंपियन ने जब उत्तराखंड के लोगों को गाली दी थी उस मुद्दे पर, या महिला प्रकरण हो या किसी भी मुद्दे पर, आम आदमी पार्टी जितना मुखर कोई पार्टी नहीं रही है। पहले हमें बीजेपी नेग्लेक्ट करती थी, लेकिन अब बीजेपी के भी बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े इनके अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि वो विपक्ष की पार्टी है, यानी कि वो हमें अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानते हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वोट जनता ने करना है। जो हमारा एक सर्वे आया है उसमें 62% लोग, उत्तराखंड के 62% लोग आम आदमी पार्टी को वोटने के हक में है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और दोनों ही पार्टियां जो हवा में है, जो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के सहारे हैं, जो घर घर नहीं जा रहे और लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे, उससे ये साफ होता है कि वो देखते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ। और इस बार आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार। फ्री बिजली का वादा आप लोगों ने किया है कि फ्री बिजली देंगे अगर सरकार बनी तो, बीजेपी और कांग्रेस इसको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप बता रही है इलेक्शन का। क्या जब तक इलेक्शन होंगे ये फ्री बिजली का वादा ही रहेगा, या फिर उत्तराखंड की पब्लिक के लिए कुछ और भी आपकी तरफ से दिया जाएगा फ्री बिजली के अलावा? एक समय पर एक ही बात की जा सकती है। अगर हम लोग एक साथ 5 मुद्दे गिनाए या 5 मुद्दे बताए तो वो मुझे लगता है जनता उसे नकार देती है। एक समय में एक ही बात की जानी चाहिए, और हमने अभी बिजली का गारंटी कार्ड दिया है लोगों को, और अगले महीने, बल्कि अगले महीने भी नहीं, 15 अगस्त के बाद हमारा दूसरा कैंपेन लॉन्च हो रहा है और हम 15 अगस्त के बाद दूसरी गारंटी देने जा रहे हैं। मतलब हम वायदा नहीं करते, हम जुमला नहीं देते, हम गारंटी दे रहे हैं कि यदि हमारी सरकार बनी तो ये मिलेगा ही मिलेगा। रविंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा। उत्तराखंड में बहुत समस्याएं हैं, पलायन की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या है, और इन सब में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन, क्योंकि उत्तराखंड के लोग दूसरे राज्यों में जाकर पलायन करते हैं। आपके लिए चुनौतियां किस तरीके से इनको देख रहे हैं और क्या क्या चुनौतियां होंगी, ये जो समस्या है क्या आप इनको चुनौतियां मान रहे हैं? देखिए ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में काम करने की आवश्यकता है, और काम अगर किया जाता है, अगर सच्चे मन से काम किया जाता है तो कोई भी चुनौती नहीं रहती। और हमारा पलायन और बेरोजगारी को लेकर के हमने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है कि उत्तराखंड के रोजगार, जो बेरोजगार युवा है, उनको न सिर्फ काम मिलेगा बल्कि पलायन भी रुकेगा। और पर्यटन को लेकर के हम बहुत अभूतपूर्व कार्य करने जा रहे हैं, और इसका हम खाका पूरा जनता के सामने रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि जी जी बिल्कुल रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया, और इंतजार रहेगा उत्तराखंड की पब्लिक को। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से समय सक्रिय नजर आ रही है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल खुद लगातार दौरे कर रहे हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात, वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।